नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ एक बड़ी खबर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आते हुए दिख रही है डायरेक्टली चाइना से, लेकिन खबर पॉजिटिव कनाडा से आई है। अब क्या है ये खबर, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। देखो, इस समय ना चांदी हो रही है भारत की ईवी कंपनीज की। अब क्यों हो रही है चांदी, क्योंकि रिसेंटली ना चाइना को लेकर सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और चाइना आप सभी को पता है एक बड़े लेवल पे प्रोड्यूसर है हर चीज का। अब कंट्रीज अगर चाइना से कहेंगे कि हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कस्टम बढ़ा रहे हैं, तो चाइना में जो गाड़ियां बनती हैं वो दूसरी कंट्रीज में हो जाएंगी महंगी, जिसकी वजह से जो और कंट्रीज से गाड़ियां दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रही हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो लोगों का रुझान बढ़ जाएगा कि यार दोनों सेम मॉडल हैं, सेम फीचर हैं, सब कुछ सेम है, तो ये सस्ती मिल रही है, ये लेना चाहिए ना। इट्स मतलब ये एकदम ऐसे है जैसे आप मान के चलो कार लेने जा रहे हो, एक बजट है आपका, आपको गाड़ी में जो भी फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स आपको दो गाड़ियों में मिल रहे हैं, फर्क है तो केवल और केवल नाम का। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका मारुति है वही चीज बना रहा है, दूसरी आपकी टाटा है वही चीज बना रहा है। देखो, कॉम्पिटिशन ही तो चलता है यहाँ पे, एक के सामने एक रख दी जाती है, जो दूसरी कंपनी बना रही है उसके सामने दूसरी कंपनी बना रही है। अब उसमें से आपको कौन सी दमदार लग रही है आप वो लेते हो, लेकिन अगर प्राइस वेरिएशन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट हो जाए तो आप कहीं ना कहीं रुझान, आपका दिमाग जो है कहने लगे ठीक है यार ऑलमोस्ट सिमिलर है, यही ले लेते हैं, सस्ती तो मिल रही है काफी। तो अब ये दोबारा से होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, कैनेडा ने क्या करा है, चाइना पे 100% टैरिफ लगा दिया है ईवीज पे। ये पॉजिटिव किसके लिए, पहले बता दूं आपको, ये पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है आउटसाइड चाइना भी, चाइना में तो करता ही करता है, तो चाइना से तो वो भी प्रोडक्शन करके अगर कनाडा में अपनी गाड़ी को एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि उनकी गाड़ी भी फिर महंगी हो जाएगी, क्योंकि चाइना में जो भी गाड़ी बन रही है उन सब पे टैरिफ लग रहा है 100% का। ठीक है जी, तो ये समझने वाली बात है, मैं एक बार समझा दूं एक्चुअली हुआ क्या है। हो ये रहा है, चाइना में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गाड़ियां अगर कनाडा में जाएंगी बिकने के लिए तो उन पे 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। अब अगर वही कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट किसी और कंट्री में, वहां से वो एक्सपोर्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पुराने टैरिफ पे चला जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो अब बताते हैं, कनाडा ने चीन से आयातित ईवी पर लगाया 100% टैरिफ, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, और ये लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर से। तो एक कोई ज्यादा समय नहीं बचा है, केवल 30 दिन कह लीजिए या एक महीना कह लीजिए, उसके बाद आपका यहां पे टैरिफ बढ़ने जा रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी लगा चुके हैं टैरिफ, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इस समय मतलब चाइना, एशिया एक्स चाइना देखने लगे हैं लोग, चाइना को ऑलमोस्ट सब लोग चाइना प्लस वन ढूंढ रहे हैं कि भैया चाइना से हम माल लेते हैं लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट नहीं, हम कोई और ढूंढेंगे। तो ये एक बड़ी चीज होती हुई दिख रही है वर्ल्ड वाइड इस समय। पहले भी आपने सुना था कि पर चाइना ने बदले की भावना से क्या करा, चाइना ने भी यूके की गाड़ियों पे लगा दिया टैरिफ, ठीक है तो यूके से हमारे पास आओगे हम भी लगाएंगे, तो वो हो रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर अब हो सकता है चाइना भी कनाडा से लगा दे थोड़े समय में, बट अभी तो ये दिख रहा है कि कनाडा ने चाइना पे लगाया है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री भी लगा चुके हैं ऑलरेडी, इन पे आपके टैरिफ लगा चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। चीन में बनी टेस्ला की गाड़ियों पर भी टैरिफ लागू, चाइना में जो टेस्ला प्रोडक्शन कर, अब ऑब्वियस है यार, अब टेस्ला का ऐसे थोड़ी है कि टेस्ला कोई और हो गया, है तो वो भी ऑटो मेकर ही ना, तो कोई भी कंपनी ईवी गाड़ी बना रही है चाइना में और वो एक्सपोर्ट करती है कनाडा में, तो भैया टैरिफ बढ़ेगा 100% से। आगे बढ़ते हैं, कुछ हाइब्रिड पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रक, बस, डिलीवरी वैन पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। केवल ईवी ही नहीं, कुछ हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल हैं, ट्रक है, बस है, इनकी डिलीवरी पर भी टैरिफ लगेगा। अभी चीन की ईवी पर 6.1% का टैरिफ लगता है, जो 100% हो जाएगा, 6.1% से 100%, आप देख रहे हो कितना बड़ा ये आपके लिए बढ़त हो गई है। अगर बात करें चीन से कनाडा ईवी कितना एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि कनाडा में कितना इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, तो यूनिट्स के नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये 2023 में 44,356 यूनिट इंपोर्ट हुआ, जिसकी वैल्यू देखी जाए अगर तो वो थी 13,430 करोड़ रुपए, तो बड़ा अमाउंट है दोस्तों, छोटा नहीं है।
अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहां काफी छोटा फिगर सामने आ रहा है, 9643 करोड़ का है। हालांकि अभी आप कह सकते हो आधी साल बची हुई है, ऑलमोस्ट 5 महीने तो रह गए हैं, 4 महीने तो रह गए हैं, ठीक है ठीक है। तो ये आपके लिए अभी तक जो एक्सपोर्ट हुआ है उसकी वैल्यू है, सॉरी इंपोर्ट हुआ है कनाडा में, उसकी वैल्यू है 840 करोड़। तो काफी छोटे लेवल पे हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 13,000 थी लास्ट, 13,430 करोड़ थी, और अभी तक केवल इस कैलेंडर ईयर में 840 करोड़ ही हुआ है। बात करें चीन के ईवी पर 100% टैरिफ, तो आगे और कुछ अपडेट भी है। टेस्ला मॉडल वाई के शंघाई में उत्पादन शुरू होने से ज्यादा आयात, तो ये सारी चीजें आते हुए दिख रही हैं। सस्ती चीनी ईवी गाड़ियों से कनाडा सरकार परेशान है। सस्ती आ रही है भाई साहब ईवी गाड़ी, इनसे परेशान है कनाडा की सरकार, जिसके चलते ये सब हुआ है। बैटरी पार्ट्स सेमीकंडक्टर पर टैरिफ के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है, तो बैटरी पार्ट्स सेमीकंडक्टर इन सब के लिए भी हो सकता है आने वाले समय में कुछ देखने को मिले। कनाडा ने चीन से आयातित ईवी पर लगाया 100% टैरिफ और ये 1 तारीख से लागू हो जाएगा। तो ये कुछ बड़ी चीजें आते हुए दिख रही हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करी हैं। तो चाइना को लोग थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव है अपने टाटा मोटर्स के लिए। हालांकि उसके बावजूद टाटा मोटर्स को ज्यादा चला नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में टाटा मोटर्स का खुद प्लांट जो है वो चाइना में बड़े लेवल पे है। वो यूके में जो प्रोडक्शन करते हैं वो कनाडा भेज सकते हैं, और भारत में जो ईवी का प्रोडक्शन होगा वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाइना से आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप करोगे तो आपके ऊपर भी टैरिफ है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।